महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ, और ये जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको चैनल को, अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से या तंत्र लाइन से रिलेटिव हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ये है कि आज का जो टॉपिक है कि अभी जो हम शिविर लगा रहे हैं जिसमें ऑनलाइन यानी कि सानिध्य शिविर है जो कि गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा दी जाएगी, दीक्षा समारोह हमने रखा है जो कि गुरु पूर्णिमा पे 13 जुलाई को। तो काफ़ी कॉलें आ रही थी, गुरु जी इस बार आप कोई सानिध्य शिविर में साधना नहीं करा रहे, सानिध्य शिविर में साधना नहीं करा रहे। तो देखिए सानिध्य तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो दीक्षा का या फिर आपको साधना का। तो काफ़ी लोगों की कॉलें आई और उसके आधारित यानी कि हमने फिर डिसाइड किया है कि अभी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है जो कि 30 जून से, ठीक है, और 9 जुलाई तक। तो आप ये जो वीडियो है इसके माध्यम से हम ऑनलाइन शिविर आरंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन जैसे कि हम सानिध्य शिविर में साधना कराते थे, ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन शिविर में भी साधना करा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन शिविर आरंभ किया जा रहा है। आप उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ साथ साधना कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा हम गाइड करेंगे, पूरा मार्गदर्शन देंगे, यानी कि मैं चंद्रनाथ अगोदी आपको पूरा मार्गदर्शन करूंगा किस प्रकार साधना करनी है, विधि विधान मंत्र सहित शक्ति को कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना है, पूरा आपको गाइड किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन ग्रुप आप अपने घर बैठ के साधना कर सकते हैं, कहीं आने की जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के ही साधना कर सकते हैं। और इसका जो चार्ज होगा बहुत ही नॉर्मल चार्ज होगा, ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। और जो भी इसके बाद जो भी सानिध्य शिविर लगेगा वो अभी उसमें टाइम है क्योंकि वो लगेगा शारदीय नवरात्रि में, ठीक है। तो आप अपने घर पे बैठ के ही इस ऑनलाइन शिविर में ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होने के साथ साथ साधना कर सकते हैं। अब इस शिविर में कौन कौन सी साधना हम करा रहे हैं ऑनलाइन में उनके नाम बता देता हूं, जैसे कि माँ आशु मेहतरानी, ठीक है, आशु मेहतरानी दिव्य दृष्टि साधना है जो हम करा रहे हैं। बाबा गंगाराम अघोरी जो कि एक तामसिक साधना है, आप माँ आशु मेहतरानी को भी तामसिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं, बाबा गंगाराम अघोरी को भी तामसिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं, और जो कि जो मंत्र होंगे सब गुरुमुखी होंगे, स्वयं में सिद्ध होंगे और 101% आपकी साधना सफल होगी। अब उसके बाद में एक साधना करा रहे हैं हम सूंगा शैतान। बहुत लोगों की डिमांड थी कि गुरुजी सूंगा शैतान की साधना हम करना चाहते हैं, तो ठीक है आप ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ के ऑनलाइन शिविर में जुड़ के आप ये साधना कर सकते हैं। अब उसके बाद में करा रहे हैं हम साधना पुनिया सोदमती देवी, जो ढाका बंगाली की दिव्य दृष्टि साधना है, जाके वीडियो देख लेना पुनिया सोदमती देवी, वो भी इस ऑनलाइन शिविर में करा रहे हैं हम। उसके बाद में हम साधना करा रहे हैं मन मोहिनी देवी ढाका बंगाली की दिव्य दृष्टि साधना, जो कि वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं, जाके वीडियो देख ले, वो भी इस शिविर में ऑनलाइन शिविर में करा रहे हैं। उसके बाद आती है पूना देवी दिव्य दृष्टि साधना, ठीक है, वो भी ढाका बंगाली की हैं, वो करा रहे हैं। और नंबर 7 पे आती हैं, 7 पे साधना आती है सूफी जिन साधना। अब जिसको जिन करना है वो सूफी जिन को कर सकते हैं जो कि पाक जिन है, जिनको मनमोहिनी देवी करनी है मनमोहिनी, ठीक है, वो कर सकते हैं ढाका बंगाले की, जिसको पूना देवी कर सकते हैं, पुनिया सोदमती कर सकते हैं, गंगाराम गोरी शुंगा शैतान और माँ आशु मेहतरानी, ये हम 7 साधनाएं इस ऑनलाइन शिविर में करा रहे हैं। इनमें से आप एक साधना को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये साधना करनी है, उसके साथ आपको विधि विधान सहित सब कुछ दिया जाएगा। साधना करने के बाद आपको किस प्रकार शक्ति से काम लेना है वो सब प्रैक्टिकल कराया जाएगा ऑनलाइन, और 101% ये साधनाएं सफल होने वाली हैं। बस चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी, जितना आपको टारगेट दिया जाएगा वो आपको पूर्ण करना होगा। तो जो साधक ऑनलाइन शिविर में ज्वाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो संस्थान के नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग सानिध्य शिविर में दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं,
तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब रही सानिध्य शिविर दीक्षा शिविर की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो संस्थान के नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो गए तो जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जो लोग ऑनलाइन शिविर में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन शिविर में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन और घर बैठ के साधना कर सकते हैं। हम यानी कि शिव शक्ति साधना केंद्र एक परिवार, शिव शक्ति साधना केंद्र परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं और साधना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सानिध्य शिविर में लोग साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही आप अपने घर पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। संस्था की तरफ से आपको पूर्ण रूप से गाइड किया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। और जिनको ये वीडियो मतलब जिन्होंने नहीं देखी हो वो जाके वीडियो देख लें, या अभी की पड़ी हुई वीडियो हैं जिन जिनके मैंने नाम बताए हैं। और ये सारे कार्य करती हैं, सारे षटक्रम, वशीकरण, मादन, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन। लेकिन बोलूँगा यहाँ पे जो लोग इन साधना को करेंगे तो वो एक दिमाग से बात निकालने कि मैं सारी चीजें सिखाऊंगा केवल मादन को छोड़ के, सारे षटकदम पे, लेकिन एक कदम नहीं सिखाऊंगा मादन, ठीक है। अगर इस लालचा के साथ अगर कोई आ रहा हो कि लालच लेके, तो वो ज्वाइन ना हो, क्योंकि उसकी ये मनसा पूरी नहीं होगी, ठीक है। आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, या लगाना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि है, बाबा है, सोका है, तांत्रिक है, ओझाई करते हैं, जो भी आप करते हैं, स्याने हैं, गुनिया है, सब कुछ इनके माध्यम से किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि का मतलब है ये जो पुनिया शोधमती हैं, ये कान में आवाज देती हैं, ठीक है। पूना देवी कान में आवाज देती हैं, मनमोहिनी देवी ये भी कान में आवाज देती हैं, ये सब ढाका बंगाले की हैं, और ढाका बंगाले की होने के साथ साथ इनको दिव्य दृष्टि प्रदान है, ये आपके कान में बताती हैं और सामने वाले का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता सकते हो। सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या नहीं है, इनके माध्यम से सारे काम किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 7 से 8 दिन है। तो जो लोग ऑनलाइन शिविर में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो आज से रजिस्ट्रेशन करा लें और अभी से करा लें। रजिस्ट्रेशन का मतलब है फीस जमा कराएं, साधना दे दी जाएगी, ताकि आपको मंत्र कंठस्थ करने में टाइम ना लगे, क्योंकि शावर मंत्र हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, थोड़े से छोटे हैं और थोड़े से बड़े हैं, 4 से 5 लाइन का मंत्र है सभी साधनाओं का। बड़े आराम से कोई भी व्यक्ति इनको सिद्ध यानी कंठस्थ कर सकता है, और कंठस्थ करने के बाद इन साधनाओं से लाभ उठा सकता है, ठीक है। अपना भी भला करें और जन कल्याण यानी और लोगों का भी भला करें। अगर आप चाहते हैं, गद्दी लगाते हैं और आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा मतलब आता है और आपको उसको सही जानकारी देनी है, तो आप इन साधनाओं को कर सकते हैं, मिस मत कीजिएगा। और बहुत ही दुर्लभ और गुप्त और गुरु गद्दी से प्राप्त तो गुरुमुखी साधनाएं हैं। इनके मंत्रों का उल्लेख ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा, ना सोशल मीडिया पे। इसी के चलते हमने किसी भी अपनी साधनाओं के जो हम साधना इस बार दे रहे हैं अभी अपने चैनल पे, इसी के चलते हम मंत्र नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको कॉपी करने के लिए उतावले बैठे। ये वो ज्ञान है जो इधर उधर कहीं से प्राप्त नहीं होगा, ये केवल गुरुमुख से प्राप्त होता है। और जिन साधनाओं का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, शक्तियों का, वो शक्तियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, उनकी पूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि सच में तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन शिविर में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो वो सीधा संस्थान के नंबर पर कॉल करें। नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता मिल जाएगा, नंबर है 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। बाकी जो लोग दीक्षा लेने आना चाहते हैं और उनको दीक्षा चाहिए, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना एड्रेस ले सकते हैं कहाँ उनको आना है। 12 तारीख को आना है, 12 जुलाई को, 13 में दीक्षा होगी, 14 में आप रिटर्न हो सकते हैं, या 13 को भी जा सकते हैं आप फ्री होने के बाद, ठीक है। और जिसमें पूरा पैकेज है वो मैंने पहले ही बता दिया है। इस शिविर का जो हम बता रहे हैं ऑनलाइन शिविर का, ये साधनाएँ मैं वो करा रहा हूँ जो सारी साधनाएँ दिव्य दृष्टि देती हैं, ठीक है। और ऐसी गजब और ऐसी एंटिक साधनाएं हैं, ऐसी दुर्लभ साधनाएं जो आपको कहीं दूसरे सोशल मीडिया चैनल पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में बोला था कि मैं आने वाले टाइम में इन सारी साधनाओं को अपने सानिध्य में या शिविर में कराऊंगा, तो अभी मैं ऑनलाइन ही करा रहा हूँ। ऑनलाइन करके आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और 101% आप सफल होंगे, पर मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत इसलिए करनी होगी क्योंकि
जो टारगेट आपको दिया जाएगा, जितना जब दिया जाएगा, जिस विधि से विधान से, उसको आपको कंप्लीट करना ही करना होगा, ठीक है, तभी आप साधना में सफल हो पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जिसको जुड़ना है, जो ऑनलाइन शिविर में भाग लेना चाहता है और आना चाहता है, खांसी हो गई, जो ऑनलाइन शिविर में जुड़ना चाहता है और आना चाहता है और साधना करना चाहता है, तो संस्थान के नंबर पर संपर्क कर ले, पूरी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार आप साधना ले सकते हैं ऑनलाइन, किस प्रकार साधना कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा टंटा कुछ नहीं है, सीधा संस्थान के नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी देंगे, फीस पे कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि शिविर में ज्वाइन कर लिया जाएगा ग्रुप में, और फिर हम आपको साधना करा देंगे। केवल ये गुप्त नवरात्रि के लिए है, आगे इसको फिर नहीं चलाया जाएगा, फिर आगे जो भी साधना कराई जाएगी वो सानिध्य शिविर में कराई जाएगी, और जिसका चार्ज होगा कुछ ज़्यादा, इसका तो नॉर्मल चार्ज है, ठीक है। तो जो लोग घर पर रह के करना चाहते हैं, आ नहीं सकते और ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए गोंडल चांस है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश आदेश आदेश।